आज हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स, उनके हाइड्राइड्स। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट प्रॉबली पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। आप देखेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट्स EH3 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, वेयर ई इज एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। देखिए आप स्लाइड में, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली दैट इज ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ टाइप EH3, वेयर ई इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ई क्या है यहाँ पर? नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो है। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन फॉर्म्स NH3। नाइट्रोजन क्या बनाता है? NH3 बनाता है, अमोनिया बनाता है। फास्फोरस फॉर्म्स PH3 दैट इज कॉल्ड फॉस्फिन। आर्सेनिक बनाता है ASH3 जिसको हम आर्शीन बोलते हैं। एंटीमनी इस्टिबीन बनाता है SbH3 एंड बिस्मथ फॉर्म्स BiH3 दैट इज बिस्मुथिन। All these hydrides are covalent and are gaseous in nature at room temperature. And except ammonia, all these hydrides are poisonous in nature. आपने देखा कि ये सारे hydrides covalent nature के हैं और room temperature पर gaseous होते हैं, gas phase में पाए जाते हैं, gaseous phase में पाए जाते हैं। और यहाँ पर अमोनिया के अलावा सारे हाइड्राइड्स पॉइजनस नेचर के होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फैमिली का कौन सा हाइड्राइड नॉन पॉइजनस होता है, देन आंसर इज अमोनिया। अमोनिया इज नॉन पॉइजनस, वाइल फास्फीन, आर्शीन, इस्टिबीन, बिस्मुथिन ऑल दीज आर पॉइजनस इन नेचर। चलिए हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इन दीज हाइड्राइड्स सेंट्रल आइटम इज SP3 हाइब्रिडाइज्ड। ये सारे हाइड्राइड्स जो बताए गए हैं इनमें सेंट्रल आइटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट SP3 होता है। तो आपने देखा कि इन दीज हाइड्राइड्स सेंट्रल आइटम इज SP3 हाइब्रिडाइज्ड एंड कंटेन्स इन ऑल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट्स वैलेंस सेल, ऑफ व्हिच 3 आर बॉन्ड पेयर्स व्हाइल रेस्ट 1 इज लोन पेयर। Due to presence of a lone pair of electrons, all these hydrides have pyramidal shape. तो आपको बताया गया कि नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनमें सेंट्रल आइटम के वैलेंस सेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाए जाते हैं, जिसमें से 3 पेयर्स होते हैं बॉन्ड पेयर्स व्हाइल रेस्ट 1 इज लोन पेयर। और यहां पर सेंट्रल एटम किस स्टेट में होता है? तो याद रहे sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है। आपको मालूम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का जो नॉर्मल जियोमेट्रिक शेप है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहां चूंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स नहीं है, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है, तो लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण इनका जो शेप होता है, इन हाइड्राइड्स का जो शेप होता है वह होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसको सिंपली आप पिरामिडल बोल सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली का एक डायग्राम बना हुआ है। सेंट्रल आइटम इज ई, ई से यहां पर 3 क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किया गया है। क्या शो किया गया है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनकी जियोमेट्री कैसी होती है? तो पिरामिडल होती है। चलिए हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। हमको देखना है कि नाइट्रोजन फैमिली के ये जो हाइड्राइड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला हम केस लेने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल। चलिए पहले स्लाइड रीड करते हैं, देन देखेंगे। द बॉन्ड एंगल ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड फॉलोज फॉलोइंग ऑर्डर। क्या है ऑर्डर भाई बॉन्ड एंगल का? सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया में, देन फॉस्फीन, देन आर्शीन, देन इस्टिबीन एंड देन बिस्मुथिन। क्या मिला ऑर्डर? अमोनिया इज ग्रेटर देन फॉस्फीन, इज ग्रेटर देन आर्शीन, इज ग्रेटर देन इस्टिबीन, इज ग्रेटर देन बिस्मुथिन। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है?
तो आप देखेंगे कि जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड करता है सेंट्रल एटम के साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर. जो सेंट्रल एटम की साइज है और उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही डिसाइड करेगा यहाँ पर बॉन्ड एंगल का क्या वैल्यू होगा. और सेंट्रल एटम की साइज जितनी छोटी होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा. आप देखेंगे कि अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है वह 107 डिग्री होता है. कितना होता है? 107 डिग्री. फॉर फॉस्फीन ये डिक्रीज होकर 94 डिग्री के आसपास आ जाता है. आर्शिन के लिए 92 डिग्री. स्टीबिन बिस्मुथिन के जो बॉन्ड एंगल है क्लोज टू 90 डिग्री आ जाते हैं. तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है. क्यों डिक्रीज होता है हम आगे देखेंगे. इनफैक्ट बॉन्ड एंगल ऑफ दीज हाइड्राइड्स डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. If the atomic size of central atom is smaller and its electronegativity is larger, it attracts the bonded electron pair of E-H bond more strongly towards itself. Thus, distance between bonded electron pair of E-H bond gets decreased and therefore repulsion amongst these electron pairs gets increased. Hence, the bond angle becomes relatively larger. देखते हैं कि जो एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बॉन्ड एंगल को कैसे डिटरमिन करती है. इस स्लाइड में देखिए, मान लीजिए कि सेंट्रल एटम की साइज छोटी है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. देन व्हाट विल हैपन? ये सेंट्रल एटम EH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा. अपनी ओर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा नजदीक आ जाएंगे. इनके बीच का डिस्टेंस घट जाएगा. बीच का डिस्टेंस घटेगा तो उनके बीच रिपल्सन बढ़ जाएगा. रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा. फिर से देखिए क्या बताया गया आपको. सेंट्रल आइटम की अगर साइज छोटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर उसका ज्यादा है, देन व्हाट विल हैपन? ये सेंट्रल एटम EH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा. स्ट्रॉन्गली खींचेगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में दूर हुआ करते थे वो नजदीक आ जाएंगे. उनके बीच का डिस्टेंस घट जाएगा. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का डिस्टेंस अगर घटेगा तो नेचुरली आप देखेंगे कि उनके बीच रिपल्सन बढ़ेगा. रिपल्सन बढ़ेगा इसलिए बॉन्ड एंगल रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगा. तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा? तो अमोनिया में होगा. उससे कम होगा फॉस्फीन में, देन आर्शीन में, देन स्टीबिन में, और सबसे कम बॉन्ड एंगल किस में देखने को मिलेगा? तो बिस्मुथिन में देखने को मिलेगा. देखते हैं क्या होता है बॉन्ड एंगल, इनका एक्चुअल वैल्यूज क्या क्या है. ये स्लाइड देखिए. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. हेंस बॉन्ड एंगल गोज ऑन डिक्रीजिंग. ऑलरेडी बता चुका हूं, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है क्योंकि हर बार एक नया सेल जोड़ता जाता है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है वह डिक्रीज होते जाती है. तो जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटॉमिक साइज चूंकि इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, नेचुरली बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता चला जाएगा. तो आप देख सकते हैं अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, फॉस्फीन में 94 डिग्री, आर्शीन में 92 डिग्री, स्टीबिन 91 डिग्री एंड बिस्मुथिन में वेरी क्लोज टू 90 डिग्री आ जाता है. तो इस तरीके से आपने देखा कि बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो है अमोनिया इज ग्रेटर देन फॉस्फीन, इज ग्रेटर देन आर्सीन, इज ग्रेटर देन स्टीबिन, इज ग्रेटर देन बिस्मुथिन. अब यहां पर आप देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गिव द रीजन बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज मोर देन दैट ऑफ फॉस्फीन. अमोनिया का बॉन्ड एंगल फॉस्फीन से ज्यादा होता है, कारण बताओ. तो क्या कारण बताएंगे आप? आप बताएंगे कि जो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं
उनका बॉन्ड एंगल सेंट्रल आइटम के साइज और उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सेंट्रल आइटम की साइज बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते जाती है, और यही रीजन है कि बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो नेचुरली अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फॉस्फेट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनमें से चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है या किसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है। तो आप इस क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको डिस्कस किया जा चुका है कैसे बनाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज इज थर्मल स्टेबिलिटी। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती जाती है। सेंट्रल एटम की साइज अगर बढ़ रही है तो नेचुरली EH बॉन्ड यानी सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा मीन्स बॉन्ड वीकर होता जाएगा, बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, नेचुरली थर्मल स्टेबिलिटी घटती चली जाएगी। तो जब हम नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होते जाती है, डिक्रीज होते जाती है। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड फॉलोज फॉलोइंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर है भाई? अमोनिया इज ग्रेटर देन फॉस्फीन, इज ग्रेटर देन आर्सीन, इज ग्रेटर देन स्टीबीन, इज ग्रेटर देन बिस्मुथिन। साफ साफ दिख रहा है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जा रही है। इनफैक्ट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप the atomic size of central atom goes on increasing and therefore their bond dissociation enthalpy and thermal stability goes on decreasing। आपने देखा कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है जिसके कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड वीकर होता जाता है यानी बॉन्ड एंथैल्पी घटती चली जाएगी और बॉन्ड का जो थर्मल स्टेबिलिटी है वह घटता चला जाएगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं हाइड्राइड में अमोनिया के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है किलोजूल पर मोल में वो 389 किलोजूल पर मोल है। फॉस्फीन के लिए डिक्रीज होकर के 322 किलोजूल पर मोल हो गया है। आर्सीन के लिए 207 किलोजूल पर मोल, स्टीबिन के लिए 255 किलोजूल पर मोल। तो लगातार आप देखते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम्स आने पर डिक्रीज होते जा रही है यानी बॉन्ड की थर्मल स्टेबिलिटी घटती चली जा रही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग नेचर, याद रहे रिड्यूसिंग नेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड करता है हाइड्राइड के थर्मल स्टेबिलिटी पर। कोई भी हाइड्राइड जितना ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना कम होगा। याद रहे थर्मल स्टेबिलिटी अगर हाइड्राइड का ज्यादा है तो उसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, कम होगा। आपने अभी अभी देखा कि जब हम नाइट्रोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड की डिक्रीज होते जाती है, नेचुरली उनका रिड्यूसिंग नेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर कौन सा करेगा, तो जो सबसे लास्ट में है, सबसे बॉटम में है, दैट इज बिस्मुथिन। और सबसे वीक रिड्यूसिंग नेचर कौन सा करेगा, तो नेचुरली अमोनिया। इन जनरल आप देखेंगे अमोनिया रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करता। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड फॉलोज फॉलोइंग ऑर्डर। क्या है भाई रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर? अमोनिया इज लेसर देन फॉस्फीन, इज लेसर देन आर्सीन, इज लेसर देन स्टीबीन, इज लेसर देन बिस्मुथिन। इनफैक्ट रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द हाइड्राइड्स depends upon their thermal stability and increases with decrease of thermal stability। आपको बताया गया कि thermal stability जैसे जैसे बढ़ेगी reducing nature घटता चला जाएगा, और thermal stability जैसे जैसे घटेगी reducing nature बढ़ता चला जाएगा। तो top to bottom अगर group में हम चले, आपने देखा कि thermal stability चूंकि decrease हो रही है, naturally reducing nature क्या होता जाएगा, increase होता चला जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप
the atomic size of central atom goes on increasing, and therefore their bond dissociation enthalpy and thermal stability goes on decreasing. Hence, the reducing character of the hydrides goes on increasing. Here, ammonia shows mild reducing behavior, while BiH3 bismuthine is the strongest reducing agent amongst all the hydrides of nitrogen family. So, आपने देखा कि nitrogen family के सारे hydrides में ammonia mild reducing agent है, और in general ये reducing nature show नहीं करता आप देखेंगे, जबकि stibine strongest reducing agent है. तो इस तरीके से आपने देखा कि reducing कैरेक्टर का, रिड्यूसिंग बिहेवियर का आर्डर क्या है और यह किस पर डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है? तो थर्मल स्टेबिलिटी पर. कोई भी हाइड्राइड थर्मली जितना अनस्टेबल होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ज्यादा होगा. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं. नाउ बेसिक नेचर. आप देखेंगे अमोनिया और नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है. कौन से ऑर्बिटल में? तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑल दीज बिहेव लाइक लेविस बेस. आपको मालूम है जिनके पास लोन पेयर होता है, जिन सब्सटेंसेस के पास लोन पेयर होता है और जो इसे डोनेट कर सकते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस को दे सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लेविस बेस बोलते हैं. तो अमोनिया नेचुरली लुइस बेस है. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर प्रोटोनेशन. द ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर प्रोटोनेशन, मोर इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पेक्टिव हाइड्राइड. द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड फॉलोज फॉलोइंग ऑर्डर. क्या ऑर्डर है? तो अमोनिया इज ग्रेटर देन फॉस्फीन, इज ग्रेटर देन आर्शीन, इज ग्रेटर देन स्टिबीन, इज ग्रेटर देन बिस्मुथिन. आपने देखा कि नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनके पास लोन पेयर है. लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण सबके सब लुइस बेस की तरह बिहेव करते हैं. अब डिपेंड ये करता है कि यहां बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड कैसे होगा. तो किसी भी लुइस बेस का बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका लोन पेयर कितना इजीली अवेलेबल है फॉर प्रोटोनेशन. प्रोटॉन से जुड़ने के लिए उसका लोन पेयर कितना इजीली अवेलेबल है, और लोन पेयर जितना इजीली अवेलेबल होगा फॉर प्रोटोनेशन बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा. आप देखेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स हैं जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो सेंट्रल आइटम की साइज बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के कारण आप देखोगे कि जो सेंट्रल आइटम है वह ईएच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा. तो नेचुरली सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. लेकिन सेंट्रल एटम की साइज जितनी छोटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी जितनी ज्यादा होगी, आप देखेंगे कि वह ईएच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी फॉर प्रोटोनेशन, नेचुरली बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. तो जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे आप देखेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाएगा. क्यों भाई? क्योंकि सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है. चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. हियर अमोनिया इज मोस्ट बेसिक. याद रहे नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स में सबसे बेसिक कौन है? अमोनिया है. अमोनिया इज मोस्ट बेसिक व्हाइल फॉस्फीन शोज वेरी वीक बेसिक बिहेवियर. आर्शीन, स्टिबीन एंड बिस्मुथीन इन जनरल डू नॉट शो बेसिक नेचर. क्या शो नहीं करते? आर्शीन, स्टिबीन और बिस्मुथीन इन जनरल बेसिक नेचर शो नहीं करते, बड़े ही वीकली बेसिक होते हैं. इनफैक्ट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. Thus, the availability of lone pair of electrons for protonation goes on decreasing, and therefore basic nature of the hydrides goes on decreasing. तो आपने देखा कि जो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ सेंट्रल एटम के
एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। सेंट्रल एटम की एटॉमिक साइज जितनी छोटी होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, वह ई डैश एच दैट इज ई एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उतना ही स्ट्रांगली अपनी ओर खींचेगा। स्ट्रांगली खींचेगा तो सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी फॉर प्रोटोनेशन, नेचुरली बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो नाइट्रोजन फैमिली में अमोनिया इज मोस्ट बेसिक, while phosphine is weakly basic in nature, arsine, stibine and bismuthine in general do not show basic behavior. Now boiling point. Boiling point आपको मालूम है किसी भी substance का depend करता है उसके molecular mass पर, और in general molecular mass बढ़ने के साथ boiling point बढ़ता है। तो वही चीज यहां भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब अमोनिया से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए फास्फीन का, फास्फीन से ज्यादा आर्शीन का, आर्शीन से ज्यादा इस्टिबिन का, और इस्टिबिन से ज्यादा बिस्मुथिन का। लेकिन यहां पर ट्रेंड में थोड़ा चेंज है, देखिए क्या चेंज है। इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, hence the boiling point of hydrides of nitrogen family in general goes on increasing on moving down the group. However, the boiling point of ammonia is found exceptionally higher than boiling point of phosphine and arsine. आपने देखा कि जब हम जब molecular mass बढ़ता है तो boiling point बढ़ता है, तो नेचुरली अमोनिया से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फास्फीन का, फास्फीन से ज्यादा होना चाहिए आर्शीन का, लेकिन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हायर पाया गया है एज कंपेयर टू फास्फीन एंड आर्शीन। ये आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द रीजन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज मोर देन दैट ऑफ फास्फीन एंड आर्शीन, तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन छुपा हुआ है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। आप देखेंगे कि अमोनिया में क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसकी एटॉमिक साइज छोटी है, वह एन डैश एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी ओर खींचता है, तो नेचुरली यहां एन एच बॉन्ड जो होता है वह रिलेटिवली मोर पोलर होता है, हाइड्रोजन पर रिलेटिवली ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है। यह पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन किसी दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन को, जिस पर कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, उसे अट्रैक्ट करता है और उसके साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है जिसको आप इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच एडिशनल अट्रैक्शन काम करता है, एडिशनल अट्रैक्शन काम कर रहा है, इट मींस वहां पर मॉलिक्यूल को दूर दूर ले जाने के लिए रिलेटिवली ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, नेचुरली बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। देखते हैं, आप देखेंगे कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 238.5 केल्विन है, फास्फीन का 185.5 केल्विन, आर्शीन का 210.6 केल्विन, इस्टिबिन का 254.6 केल्विन, बिस्मुथिन का 290 केल्विन। अगर हम देखें तो फास्फीन, आर्शीन, इस्टिबिन, बिस्मुथिन लगातार बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बट अमोनिया का एक्सेप्शनली फास्फीन और आर्शीन से ज्यादा है। अमोनिया का पोजीशन फास्फीन और आर्शीन के बाद है, आप देखेंगे तो ऑर्डर क्या मिला, फास्फीन is lesser than arsine, is lesser than ammonia, is lesser than stibine, is lesser than bismuthine. क्या रीजन है आगे देखते हैं। In fact, ammonia involves intermolecular hydrogen bonding. Hence, additional intermolecular attraction operates amongst ammonia molecules and its boiling point becomes exceptionally higher than that of phosphine and arsine. आप देख सकते हैं अमोनिया नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज दैट इज डेल्टा माइनस चार्ज आ रहा है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दैट इज डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है। साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर जो NH बॉन्ड था, इसमें आप देखिए NH बॉन्ड है वो पोलर है, नाइट्रोजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यह पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन
दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और उसके साथ एक वीक बॉन्ड बनाएगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसे आप डॉटेड लाइन से डिनोट करते हो। तो आपने देखा कि अमोनिया में अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच एक एडिशनल अट्रैक्शन काम कर रहा है। एडिशनल अट्रैक्शन काम कर रहा है मींस मॉलिक्यूल को दूर दूर ले जाने के लिए। याद रहे हमारा बॉइलिंग पॉइंट से मतलब क्या है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होगा, जब मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर जाएंगे। तो यहां पर मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए, दूर दूर ले जाने के लिए एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो नेचुरली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, फॉस्फीन से और आर्सीन से। Thus, the order of boiling point of different hydrides of nitrogen family will be as under. देखिए क्या order है, phosphine is lesser than arsine, is lesser than ammonia. याद रहे ammonia का जो boiling point है exceptionally ज़्यादा हो गया है phosphine और arsine से, और ammonia के बाद number आया stibine का और then किसका, bismuthine का। चलिए next slide देखते हैं। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स कौन कौन से हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। बहुत ही कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। यहाँ से बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल का, तो आपसे पूछता है बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज मोर देन दैट ऑफ फॉस्फीन, गिव द रीजन। रिड्यूसिंग नेचर की बात आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अमोनिया डज नॉट शो रिड्यूसिंग नेचर व्हाइल फॉस्फीन आर्सीन एटसेट्रा आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आपसे यहां पर बेसिक नेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है, अमोनिया शोज बेसिक बिहेवियर व्हाइल फॉस्फीन इज रिलेटिवली लेस बेसिक इन नेचर, आर्सीन स्टिबिन एंड बिस्मुथिन डू नॉट शो बेसिक बिहेवियर, इसका आपसे रीजन पूछता है। रिड्यूसिंग नेचर, बेसिक नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से उठाए जाते हैं। तो आज आपने हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली कवर किया, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।